ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन कितना घातक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक हर 10 में से हर दूसरे मामले में ऐसा ही हो रहा है। दरअसल नए स्ट्रेन की वजह से कोरोना संक्रमितों के शरीर में अचानक से खून के थक्के बनने लगते हैं। कोई कुछ समझे इसके पहले ही ये थक्के मरीज के दिल की मांसपेशियों में जाकर फंस जाते हैं और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। शरीर में बन रहे खून के थक्के आपको बता दें कि काफी घातक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर विनायक जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनायक, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है डीएनएन में। डॉक्टर विनायक, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अब कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, दूसरी लहर यहाँ किस तरह से घातक हो रही है, उसकी तस्वीर हर कोई देख रहा है, लेकिन अब इस स्ट्रेन में ये निकलकर सामने आया कि खून के थक्के बन रहे हैं, उसके बाद मरीज रिकवर कर रहा है, सामान्य हो जा रहा है और अचानक दिल का दौरा पड़ जा रहा है जिससे उसकी मौत हो जाती है, इस तरह के कारण क्यों पनप रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण कोविड जब इन्फेक्शन होता है किसी पेशेंट में, तो खासतौर से उनमें ज्यादा पाया जाता है जो हॉस्पिटलाइज होते हैं। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में कोविड के कारण जो इन्फेक्शन होता है, और खासतौर पर इमोबिलिटी होती है, पेशेंट लेटा है, उसमें कोई हलचल नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो उससे उसके उसके कारण भी ये क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कोविड इन्फेक्शन होता है तो कोविड इन्फेक्शन के कारण अंदर जो ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज डेवलप होने लगती है, ऑटो एंटीबॉडीज, कोविड एंटीबॉडीज जिनको बोलते हैं जी। तो कोविड एंटीबॉडीज करती क्या है कि ये ब्लड में घूमते हुए, ब्लड में बहते हुए वह एंटीबॉडीज बनाकर सीधे जो आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, उसमें खून के थक्के बनाना शुरू कर देती है। खून के जी डॉक्टर, इसी से जुड़ा एक सवाल कि खून के थक्के शरीर में क्या कहीं भी बन जाते हैं, और अगर कहीं भी बन जाते हैं तो ये सिर्फ कोविड पेशेंट को ही इस तरह की बीमारी होती है या और किसी को भी हो सकती है सामान्य तरीके से? सामान्य तरीके से भी और लोगों को हो सकता है, जिनमें पहले से हार्ट डिसीजेस हो, जिनमें एजेड पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, डायबिटीज हो, इस तरह के उसमें हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जैसे कोविड के पेशेंट में ये देखा जा रहा है बार बार कि ये खून के थक्के बन रहे हैं, उसकी वजह यह है कि कोविड के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हार्ट मसल्स में भी इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाती है, और सूजने के बाद में वो हार्ट ओवरवर्क हो जाता है। डॉक्टर, आपने कहा है कि ये किसी सामान्य रूप से भी देखा जा सकता है, किसी में भी, जरूरी नहीं कि कोविड पेशेंट, और लेकिन कोविड पेशेंट में भी इस तरह से ज्यादा देखा जा रहा है। अगर कोविड पेशेंट की बात ना करके सामान्य लोगों की बात की जाए जो कोविड पॉजिटिव नहीं हुए हैं, उनके शरीर में अगर खून के थक्के बन रहे हैं, क्या उनको भी हार्ट अटैक का कोई खतरा हो सकता है? खून के थक्के बनना, खून अगर फ्रीली फ्लो नहीं होगा, अगर खून फ्रीली फ्लो हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खून बह रहा है उसमें थक्के बनने से खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, और अगर बहाव कम हो गया तो जिस आर्गन में ब्लड जा रहा है और वहाँ अगर रुकावट हो गई तो उस आर्गन का फंक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हार्ट में अगर ब्लड जाने की रुकावट हो गई तो हार्ट अटैक हो सकता है। इसी की तरह अगर हार्ट अगर ब्लड पंप नहीं करेगा, उसमें रुकावट होगी तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा तो स्ट्रोक हो सकता है जी। डॉक्टर, लेकिन कुछ केस ऐसे यहाँ निकलकर सामने आए कि कोविड पेशेंट का इलाज अस्पताल में चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, खून के थक्के बनने लगे, वो भी सामान्य हो गए थे, एकदम नॉर्मल हो चुका था पेशेंट, लेकिन अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, दिल का दौरा इसलिए पड़ा है कि कोविड के कारण जैसे मैंने बताया कि उसके हार्ट की मसल में सूजन आ जाती है, तो जो पेशेंट रिकवर भी हो गए हैं उनमें ये देखा जाता है कि 8 महीने तक, कोविड इन्फेक्शन के 8 महीने तक उनके उनके हार्ट और दूसरी जगह सूजन होती है, और रिकवर होने के बाद भी ऐसा देखा गया कोविड पेशेंट में कि हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, जैसे किसी को पुराना हार्ट अटैक होकर जैसे हार्ट मसल डैमेज हो जाती, इसी तरह की स्टडी में ये पाया गया है। डॉक्टर, इसमें अगर तीसरी लहर का जिक्र किया जाए, जिस तरह से खबरें आपके पास भी आ रहे होंगे कि तीसरी लहर आने वाली है और ऐसे में बच्चों को ये अपनी चपेट में लेगा, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए,
सिचुएशन तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, जहाँ बच्चे का सवाल होता है, बिल्कुल, बड़े और एडल्ट है उनको तो आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं, आसानी से वो अपनी समस्या बता सकते हैं। बच्चों में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अभी जब हमें मालूम है कि अभी वेव आने वाली है, आई नहीं है, हम अगर आज से तैयारी कर लें, आज से हम बहुत सारे लोगों को, सबसे बड़ा हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन हो जाए, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया, तो कोरोना के बाद में कम से कम दे आर नॉट एबल टू स्प्रेड द डिसीज। लेकिन डॉक्टर, अगर बच्चे को, छोटे बच्चे, किसी घर में किसी छोटे बच्चे को तीसरी लहर अगर अपनी चपेट में ले लेती है, जब भी तीसरी लहर आएगी, तो ऐसे में किस तरह से बचा जाए, क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। और यहाँ पर ज्यादातर देखा गया है वो लोग भी आप चपेट में आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। जी, तो उसमें यही है कि बराबर बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए, बार बार बच्चों को देखा जाए, उनके माँ बाप को अवेयर कराया जाए कि छोटे छोटे सिम्टम भी अगर बच्चे में मिलते हैं, बच्चे में अगर बुखार मिल रहा है, बच्चे में निमोनिया जैसे, सर्दी खांसी जैसे अगर सिम्टम मिल रहे हैं, तो वो इमीडिएट डॉक्टर के पास मत जाकर उसको दिखाएं, वो टेस्ट कराएं और उसको आइसोलेट करें, ये तो करना पड़ेगा जी। लेकिन बच्चे को आइसोलेट करना, डॉक्टर आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि एक बच्चे को ये समझाना कि आपको कोरोना है और आप घर में जाके आइसोलेट हो जाए, तो बच्चा, तो अगर बच्चा घर, किसी घर में बच्चा चपेट में आ गया, तो समझो पूरी फैमिली चपेट में आ गई, क्योंकि बच्चे को, मेरे समझ में, मेरे हिसाब से अगर जो बच्चों में इस तरह का संक्रमण फैलेगा, तो उनको होम आइसोलेशन से ज्यादा फायदा नहीं होगा, उनको हॉस्पिटलाइज ही करना होगा, जहाँ की प्रॉपर नर्सिंग केयर में बच्चों को अच्छी उचित इलाज दिया जाए, उनकी जान बचाई जाए। तो किस तरह से इन सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि कोरोना का जो दूसरा नया स्ट्रेन निकलकर सामने आया, ये ज्यादा घातक बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल घातक बनता नजर आ रहा है, और आज जब हमें पहले से पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, उसको रोका नहीं जा सकता, तो आज से पूरी तैयारी करना जरूरी है, लोगों को और अवेयर कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराया जाए। डॉक्टर, एक सवाल और आपसे वैक्सीनेशन को लेकर जानना चाहेंगे, कि वैक्सीन को लेकर भी यहाँ पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, कि जो यहाँ पर कोविड पेशेंट है और कोविड पॉजिटिव से 15 से 28 दिन हो चुके हैं, अब खबरें ये सामने आ रही है कि 6 महीने बाद अगर कोई कोरोना मरीज था, तो उसे 6 महीने बाद वैक्सीनेशन का डोज लेना चाहिए, क्या ये सही है? एक बार कोरोना से एक्सपोज हो गया, किसी पेशेंट को संक्रमण कोरोना का हो गया है, तो उसको कुछ दिनों के बाद ही वैक्सीन लगाना ज्यादा अच्छा है। अगर 5-6 महीने के बाद अगर हम उसको वैक्सीनेट करते हैं, तो एंटीबॉडीज उसमें ज्यादा बने। तो लगभग कितना गैप होना चाहिए इस बीच पर? ऐसा है कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण अगर आदमी हो गया है और उसको फर्स्ट डोज लग गया है, अगर फर्स्ट डोज लग गया है, तो दूसरे डोज कम से कम 8 वीक के बाद उसको लगाया जाए, और अगर कोई भी उसको वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है, तो इसको 6 मंथ तक भी वेट किया जी। डॉक्टर, एक चीज और, कि तमाम तरह की यहाँ पर बातें देखी जा रही है, ब्लैक फंगस करके भी एक बीमारी ने यहाँ दस्तक देती है, सिवनी में यहाँ पर कई मरीज मिल चुके हैं, इंदौर में भी मरीजों की पुष्टि हुई है, इससे कैसे बचा जाए, या फिर इसके लक्षण क्या है, क्योंकि अभी सबका ध्यान कोरोना की तरफ है, और अब इस तरह की बीमारी का सामने आना, कल को अगर कुछ भी यहाँ पे लक्षण देखे जाते हैं, सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो सबका ध्यान कोरोना पर ही जाएगा, कि शायद कोरोना ही हो रहा होगा, उसका टेस्ट कराते हैं, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन पर तो ध्यान कम ही जाएगा। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं, अपने आप में एक बहुत ट्रेडली डिसीज है, पहले भी ये डिसीज होती थी लेकिन बहुत रेयर है, लेकिन आज की तारीख में कोविड पेशेंट में बहुत तरीके से देखी जा रही है, बहुत खतरनाक फैटल डिसीज है, और इसके लिए ऐसे पेशेंट जो कार्टिकोस्टेरॉइड पर लंबे टाइम पर है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट, कोविड के हॉस्पिटलाइज पेशेंट जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज है, और ट्रीटमेंट के दौरान उनको हाई डोजेज स्टेरॉइड दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस, और साथ में लंबे टाइम पे वेंटिलेटर पे पेशेंट हो, ऑक्सीजन उसको दिया जा रहा है, जहाँ नमी है वहाँ फंगस ग्रो हो जाता है, और नोज के थ्रू उसको ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए जब वो ब्लैक फंगस है वो नोज के आसपास दिखाई देता है।
तो डॉक्टर इससे बचा कैसे जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर तो बोल दिया कि सेल्फ आइसोलेट हो जाए, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें और मास्क पहने, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, तमाम तरह की गाइडलाइन, लेकिन ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लिए किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है, किस तरह से बचाया तो जा सकता है? इसलिए पाई जाती है कि लोग पाई जा सकती है कि लोगों को सबसे पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा भी अगर कुछ लगे तो उसे अपना सेल्फ ट्रीटमेंट की बजाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आई सर्जन है, ENT सर्जन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ये लोग ब्लैक फंगस को ठीक करने में सक्षम है। बिल्कुल डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े हो और तमाम तरह की जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कोरोना का एक नया स्ट्रेन किस तरह से देश में घातक हो रहा है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन अब कोविड पेशेंट में खून के थक्के भी शरीर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अचानक दिल का दौरा पड़ रहा है और उससे उसकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ हमें कई बीमारियों से लड़ना है, और ये सब सिर्फ तभी हो सकता है जब तमाम तरह की जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसका पालन किया जाए। फिलहाल आपकी खबर हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए TNN के साथ। नमस्कार।